कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भो मा ते संगो कवि कर्मणि। सिविल सोसाइटी की ओर से 2006 का सिविल सर्विस अवार्ड माननीय चीफ मिनिस्टर के हाथों गौरव गंभीर जी को दिया जाता है। कौन है? अरे भाई कौन है? कौन है? तुम्हें तो कातिल की तलाश करनी है। मुंबई के नामचीन क्रिमिनल लॉयर दस्तूर का कत्ल हुआ है। निखिल ये सब पूरा हॉस्पिटल क्या करो उसे यही होना चाहिए। राइट सर। बैंक तो बंद हो चुका है, सारा स्टाफ भी जा चुका है, सिर्फ मैनेजर साहब अंदर है। किलर ने शहर के नामचीन वकील दस्तूर का, डॉक्टर कुलकर्णी का और सहकारी बैंक मैनेजर नारायण का कत्ल किया है, पर उसे पकड़ने में क्राइम ब्रांच के सीनियर इंस्पेक्टर गौरव गंभीर नाकामयाब रहे हैं। विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि सीरियल किलर हर कत्ल की जानकारी पहले से ही देता है और फिर उस इंसान का कत्ल करता है। इंस्पेक्टर गौरव गंभीर अब तक उसे पकड़ने में नाकामयाब रहे हैं। अब वो सीरियल किलर किसी पॉलिटिकल फील्ड से संबंधित व्यक्ति का कत्ल करने जा रहा है। ये पत्रकार भी ना सिर्फ अपने चैनल को चलाने के लिए बिना कुछ जाने बिना कुछ समझे कुछ भी बोल देते हैं। ये मीडिया वालों को लगता है हमारे हाथ में कोई जादू की छड़ी है जिसे घुमाया और कातिल गिरफ्तार हो गया। सर मीडिया वाले आपके बारे में क्या क्या बोल रहे हैं? पहले चाय पियो फिर बैठ के बात करेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू। सर कमाल है, वो लोग आपके बारे में इतना बुरा भला बोल रहे हैं और आप इतनी शांत बैठे हैं। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है निखिल, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम सिर्फ अपना कर्म करो और फल मुझ पर छोड़ दो। मेरे लिए इतना ही काफी है कि मैंने अपना कर्म पूरी ईमानदारी से किया है, बाकी दुनिया को जो कहना है कह दिया। नहीं सर, मेरा तो यही मानना है अगर कोई इंसान आपके साथ बुरा करे तो आप भी उसके साथ बुरा ही करो। अगर कुत्ता तुम्हें काटेगा तो क्या तुम कुत्ते को काट खाओगे? सर आपको पता है ये खबर मीडिया में किसने फैलाई है? एसीपी चौधरी ने। सर आपको पता है फिर भी? हम दोनों एक ही काम कर रहे हैं। मुझ में और एसीपी चौधरी में सिर्फ इतना फर्क है कि एसीपी चौधरी
अपने शत्रु को खत्म करना चाहता है और मैं उसकी शत्रुता को खत्म करना चाहता हूं। सर मैं देखता हूं। कम जूलिया। सर। हाँ जूलिया। सर इलेक्शन कार्ड पर छपी हुई तस्वीर नजर आ गई है। चंद्रकांत पाटिल। थैंक यू जूलिया। ये तो बांदा का पाटिल सर। गौरव बोलो। हाँ गौरव बोलो। सर हमें पता चल गया कि सीरियल किलर का अगला टारगेट बांद्रा का कॉर्पोरेटर चंद्रकांत पाटिल है। सर मैं चाहता हूं कि वहां पे फौरन बंदोबस्त हो पुलिस का। हो जाएगा लेकिन गौरव एक बात ध्यान रखना, चंद्रकांत पाटिल को कुछ भी नहीं होना चाहिए। कुछ नहीं होगा सर, मैं तुरंत वहां पहुंचूंगा। चलो हमें तुरंत पाटिल के यहां पहुंचना है। आपको चुरा देकर कत्ल किया और आपने अभी तक उसे पकड़ा नहीं, क्यों? आपके बारे में क्या जानते हैं? आप पुलिस फोर्स के बड़े इंटेलिजेंट ऑफिसर हैं। सर कातिल के बारे में क्या जानते हैं? आप जवाब दीजिए। आप कुछ बोलिए क्यों नहीं है? आप तो नो कमेंट्स कहेंगे क्योंकि आपने किसी अपने को खोया नहीं है। मैंने अपने डॉक्टर भाई को खोया है। मैं आपसे पूछती हूँ, अगर आपने किसी अपने को खोया होता तब भी आप अपने काम में इतनी लापरवाही करते? चुप क्यों है? जवाब दीजिए, आप मेरे भाई के कातिल को कब पकड़ेंगे? देखिए मैं आपके भाई को तो वापस नहीं ला सकता, लेकिन मेरा ये आपसे वादा है कि अगर मैंने आपके भाई के कातिल को गिरफ्तार नहीं किया तो मैं पुलिस फोर्स से रिजाइन कर दूंगा। पर कब तक होगा सर? और आप रिजाइन क्यों देंगे? जी सर। इस बंगले का एक एक कोना बहुत बारीकी से चेक करो, सारी एंट्रीज सील कर दो। राइट। नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं आप? कहिए सर। कैसे आना हुआ? सर आपकी सिक्योरिटी के लिए हम लोग यहाँ पे आए। मेरी सिक्योरिटी क्यों? सर हमें टिप्पणी है कि सीरियल किलर आज आपके ऊपर प्राणघातक हमला करने वाला है, आपकी जान को खतरा है। कहीं आप उस सीरियल किलर की बात तो नहीं कर रहे हैं जिसके बारे में आज पेपरों में छपा है? सर अरे तो खाक मेरी रक्षा करेंगे आप? सर आप बिल्कुल चिंता मत करिए, यहाँ पे पूरा इंतजाम हो चुका है। अरे होम मिनिस्ट्री को समझाया था कि सब क्या चल रहा है शहर, समझते नहीं है। हेलो मैं पाटिल बोल रहा हूँ। अबे पाटिल बोल रहा हूँ मैं। सुन मेरे नाम का स्विट्जरलैंड का टिकट बुक करो ताबड़तोड़, आज का आज का। हाँ मुझे मुंबई में नहीं रहना भाई। अरे कंफर्म टिकट चाहिए मुझे, समझा क्या? आज के आज। हाँ क्या करते हैं आप लोग, मुझे ही मार डालेंगे आप लोग तो। सर आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हम हैं आपकी सुरक्षा। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं कॉर्पोरेटर साहब, हमारे कमिश्नर साहब ने खुद इस केस की इन्वेस्टिगेशन हमारी पुलिस के सबसे होनहार इंस्पेक्टर गौरव गंभीर साहब को सौंपी है। अरे ये इतने होनहार हैं तो उन तीनों को क्यों नहीं बचा लिया भाई? सर जब उन लोगों का कत्ल हुआ उस वक्त मैं वहां पे नहीं था, लेकिन इस वक्त मैं हूँ आपके साथ आपके पास, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है मैं चिंता नहीं करता हूँ, लेकिन आप समझ लीजिए मेरी जान आपके हाथ में है। सर ट्रस्ट। शुक्रिया सर मेरी तारीफ करने के लिए, बहुत विश्वास है आपको मेरे ऊपर। मूंगफली? इस वक्त मूंगफली की छोड़ो,
अगर ये कत्ल हो गया ना इस बार, जब सोचा कि सारी जिंदगी मूंगफली भेजनी पड़ेगी। आपकी नसीहत ध्यान में रखो। ध्यान मैं सोऊंगा नहीं, मुझे नींद नहीं आएगी। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मेरी पत्नी ने कहा था मुझसे कि स्विट्जरलैंड चलो पाटिल, छुट्टियां मनाएंगे। मैं ही नहीं गया। अगर मैं चला जाता तो आज ये दिन तो नहीं देखने पड़ते थे। सर आप ध्यान रखिए, मेरे होते हुए आपको कुछ नहीं होगा, ट्रस्ट में। मैं ट्रस्ट नहीं करूंगा। मैं बेडरूम में नहीं जाऊंगा भाई सोने के लिए। आप कैसी बात कर रहे हैं? आप लोग यहाँ रहेंगे और मैं बेडरूम में सो, और वो किला ला करके वहां मुझे मार देगा, तो कहीं छुपा होगा वो। मैं नहीं जाऊंगा, मुझे मार देगा। देखा? यस सर। सर का बेडरूम चेक करो। ओके सर। हाँ हाँ, ठीक से चेक करना। टेरिस टेरिस भी देखना, नीचे भी। यस। मैंने उसके बारे में पढ़ा है कि बहुत बेदर्दी से मारता है। एक चाकू है उसके पास, काट देता है पूरे बदन को, और अंगूठा भी काट लेता है। बहुत दर्द होता होगा। मैं ऐसे नहीं मरना चाहता। मैं इधर ही बैठूंगा आपके सामने। हाँ, आप भी बैठिए और पिस्तौल निकाल के रखिएगा। सर हाथ में रखिए ना, पिस्तौल हाथ में रखिए, कहीं से भी आ जाएगा। पाटिल ही बोल रहा हूँ। मेरे नाम का स्विट्जरलैंड का टिकट बुक करो आज ही। कंफर्म? हाँ, मैं इंडिया छोड़कर जाना चाहता हूँ। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, बुक करो। अरे सर, मैंने बेडरूम ठीक से चेक कर लिया है। चेक कर लिया आपने? यस सर। टॉयलेट, टेरेस, एवरीथिंग सर। और बेड के नीचे? यस सर। सो यू कैन रेस्ट सर। 5 मिनट सो सकता हूं मैं? प्लीज सर। रखते हैं सर। ठीक है तो आगे चलिए आप। सर प्लीज। ठीक है, आप जाइए हैं, और ध्यान रखिएगा। मैं थोड़ी देर सो लेता हूँ, लेकिन आप लोग मत सो जाइएगा। डोंट वरी सर, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पर है। ठीक है, पिस्टल हाथ में रखिए। यस सर। जी केवट, एक काम करो, तुम अपने साथ ये चारों हवलदार ले जाओ और कल सुबह जल्दी आ जाओ। और सर, कमिश्नर साहब ने कहा कि तुम यहाँ से कहीं मत जाना। अरे भाई, मैं कह रहा हूँ ना जाने के लिए। वैसे भी यहाँ कुछ नहीं होने वाला, खाम खा का ड्रामा हो रहा है। और वैसे CBI के ऑफिसर तो अंदर है, तुम्हारी जरूरत नहीं है, पर कल सुबह जल्दी आ जाना। ओके सर।
देखो गौरव, तुम्हारे नाकामयाबी की वजह से चार खून हुए। तुम कातिल को छोड़ो, शकमन को पकड़ने भी नाकामयाब रहे। इसलिए मैं तुम्हें क्राइम ब्रांच से सस्पेंड कर रहा हूँ और तुम्हें जो भी पावर्स दिए गए थे वो वापस ले रहा हूँ। पर लेकिन मैंने अपना काम पूरी निष्ठा और ईमानदारी से किया। गौरव, मैं जानता हूँ तुम एक काबिल अफसर हो, लेकिन तुम्हारी नाकामयाबी की वजह से मुझ पर प्रेशर आ गया तो मुझे कोई ना कोई एक्शन लेना पड़ेगा। तुम्हारी जगह किस अफसर को अपॉइंट करना पड़ेगा, तुम्हारी जगह पे किसी दूसरे आदमी को लाना पड़ेगा। जिन्हें कौन आइए, क्राइम ब्रांच के काबिल इंस्पेक्टर गौरव गंभीर। मैंने कहा था ना, मूंगफलियां बेचने की नौबत आ जाएगी। कहा था कि दबाव तुम्हारी पोस्ट पर है, मेरी नहीं। छीन ली ना तुम्हारी पोस्ट, एक छोटे से अपराधी ने हरा दिया। हाँ, बहुत क्ल्यूज दिए उसने एक के बाद एक, लेकिन तुम कुछ कर नहीं पाए। चौधरी साहब, गौरव गंभीर को अपने पराये कोई नहीं हरा सकते। आसमान पे बादल छा जाने से सूरज के वजूद को छुटलाया नहीं जा सकता। नहीं बेचारी इन मूंगफलियों की बात तो ये तो मेरे साथ मरते दम तक रहेंगे। ये क्या बदतमीजी है? कमिश्नर साहब ने मेरे हाथ से केस लिया है, आप चाहें तो शिकायत करके मुझे नौकरी से निकलवा दें। आप शॉप फरमाएंगे, ध्यान रखिएगा अपना। यहाँ पे क्या कर रहे सर? आपका इंतजार। मेरा इंतजार करने की जरूरत नहीं निकल। तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि डिपार्टमेंट ने मुझे सस्पेंड कर दिया। सर, हमें इस बात की खबर तुरंत हो गई थी। पूरे पुलिस फोर्स में ये खबर आग की तरह फैल चुकी है। और सर, इस अग्नि परीक्षा में हम आपके साथ हैं। सर, आपने जिस निष्ठा और जिस ईमानदारी से अपना कार्य किया है, हम लोग उस पर दाग नहीं आने देंगे। सर, हम चाहते हैं कि आपका ओहदा आपको पूरे मान और सम्मान के साथ वापस मिल जाए। मेरा कर्म किसी ओहदे का मोहताज नहीं रहेगा, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि तुम लोगों जैसे वफादार लोग मेरे दोस्त हैं। थैंक यू। मुझे मत भूलिएगा, मैं भी आप लोगों के साथ हूं। सर, कमिश्नर के बेडरूम से जो ग्लास और जग मिला था, उस ग्लास पर कमिश्नर के और एसीपी चौधरी दोनों की उंगलियों के निशान थे, लेकिन जग पर सिर्फ एसीपी चौधरी की उंगलियों के निशान है। जब जग के पानी के सैंपल को टेस्ट किया गया तो उसमें पता लगा कि जहर मिला हुआ है। सर, कहीं ऐसा तो नहीं इस पूरे मामले के पीछे चौधरी का ही हाथ हो? सर, कल जब मैं कॉर्पोरेटर का बेडरूम चेक कर रही थी तो मैंने एसीपी चौधरी को वहां पर जग रखते हुए देखा था। फिर उसने इंस्पेक्टर और हवलदार को कहकर बंगले की सिक्योरिटी भी कम करवाई थी। सर, उसी वक्त मुझे उसकी गतिविधियों पर शक हो गया था। अवार्ड फंक्शन के फोटो लाना। यस सर। ये रहे सर। थैंक यू। थैंक यू।
कस्तूर, कुलकर्णी, नारायण और पाटिल, इन चारों ने मेरा नाम सिविल अवार्ड्स के लिए रिकमेंड किया था, है ना? और वो चारों मारे गए। सर, जब से चौधरी को हटाकर आपको क्राइम ब्रांच ऑफिसर बनाया गया, चौधरी को आपसे ईर्ष्या हो गई और तब से वो यही कोशिश करता रहा कि कब आपको इस पद से हटवा दिया जाए। सर, मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि इन तमाम हत्याओं के पीछे चौधरी का ही हाथ है और उसने आपके खिलाफ जंग का ऐलान किया है। नहीं, एसीपी चौधरी कुछ भी कर सकते हैं लेकिन वो इतना नीचे नहीं कर सकते। मैं जानता हूं, मैंने उनके साथ काम किया है, वो निहायत ही ईमानदार और कर्मठ ऑफिसर। ये ठीक है कि वो मुझे पसंद नहीं करता लेकिन डिपार्टमेंट के लिए वो उतने ही ईमानदार हैं जितना मैं या तुम। थैंक यू वेरी मच फॉर योर कोऑपरेशन, ऑल द बेस्ट। मुंबई चलिए, जयराम जी की। सर, कुछ भी कहे लेकिन मुझे लगता है कि हमें कमिश्नर से परमिशन लेकर एसीपी चौधरी से पूछताछ जरूर करनी चाहिए। यू आर राइट, हमें कुछ तो करना पड़ेगा। ये तो किसी ट्रॉफी का स्केच लगता है। Yes, you're right. ये तो वही ट्रॉफी है जो गौरव सर को मिली थी। ये गौरव सर से रिलेटेड है। इसका मतलब गौरव सर की जान को खतरा है।
speed accident, Aluminium went off, but was undamaged, unlike his car, which should already be on the way बहुत देर कर दिया। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मैं जानता था कि तुम जरूर आओगे मेरे पास मेरा कत्ल करने। तुमने ये कैसे जाना? मेरे घर में हर चीज अपनी जगह पर रहती है जब तक मैं उसे ना हिलाऊं। जब मैं अपने घर में आया तो मैंने देखा कि मेरा डोरमैट अपनी जगह से हिला हुआ है। तो मैं घर के अंदर घुसा, मैंने गौर से पूरे कमरे को देखा और देखा कि मेरी ट्रॉफी में से एक ट्रॉफी अपनी जगह से हिली हुई है। इसका मतलब है कि किसी ने उस ट्रॉफी को उठाया है और वापस रखा है। मैं सोचने लगा कि कौन हो सकता है जिसको मेरी ट्रॉफीज में दिलचस्पी हो। यह भी ख्याल था कि अजीब कातिल कत्ल करने के बाद अंगूठा काट लेता है, क्या बताना चाहता है। मैं सोचने लगा कि पता नहीं ये मुझे क्या याद कराना चाहता है। फिर आज जब मैंने न्यूज़पेपर देखा तो मुझे सारी तस्वीर साफ हो गई। कत्ल करने के लिए तुमने जो तारीखें चुनी हैं, 7, 8, 9, 10, 7, 8 यानी 7वीं तारीख, 8वां महीना यानी 7 अगस्त, 9-10 यानी 9वीं तारीख और 10वां महीना यानी 9 अक्टूबर, और ये दोनों वही तारीखें हैं जब पुलिस फोर्स की तरफ से मुझे सम्मानित किया गया था, मुझे कोई मेडल दिया गया था, ट्रॉफी दी गई थी। तब तो तुमने ये भी जान लिया होगा कि मैं कौन हूं। Of course, सबनीश एक फॉरेंसिक ऑफिसर जिसने 1999 में एक ट्रिपल मर्डर को हादसे में तब्दील करने के लिए क्रिमिनल से रिश्वत ली थी और सबूत मिटाने की कोशिश की थी। कुछ हद तक तुम कामयाब भी हो गए थे लेकिन तभी कुछ गड़बड़ हो गई। सबूत मिटाते हुए गोदाम में ब्लास्ट हो गया, शबनीश को बहुत सी चोटें आई और बेचारा शबनीश हादसे में अपना अंगूठा गंवा बैठा। हमने इंटेलिजेंस ब्यूरो के लिए तुम्हें चुना क्योंकि तुम्हें सबनीश से 1% ज्यादा मिला। सबनीश, तुम फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में काम करो।
1997 जब सोने की स्मगलिंग के रैकेट को हम दोनों ने मिलकर पकड़ा था, लेकिन बहादुरी का मेडल और ट्रॉफी तुम्हें दिया गया और मुझे कुछ भी। 1999 जब ट्रिपल मर्डर केस के कातिल को बचाने में मेरे खिलाफ कार्रवाई की गई, इंक्वायरी कमीशन बिठाई गई जिसके चीफ तुम थे, रिपोर्ट तुमने बनाई, तुमने मुझे दोषी करार दिया, और गौरव तुम्हारी वजह से ही मैंने अपनी जिंदगी के कीमती 7 साल जेल की कालकोठरी में गुजारे। दुनिया वालों के सामने मेरी हैसियत एक काबिल ऑफिसर की नहीं बल्कि एक अपराधी, एक मुजरिम, एक क्रिमिनल की है। तुम करप्ट थे, करप्ट हो, अपनी गलतियों के लिए मुझे कसूरवार मत ठहराओ। तुम अपराधी थे और तुम्हें सजा हुई। तुम्हें पता है गौरव, जब एक काबिल ऑफिसर को जेल की चार दीवारी में डाल दिया जाता है तो उस पर क्या गुजरती है, क्या बीतती है तुम्हें पता? उन 7 सालों का एक एक पल, एक एक लम्हा मैंने सिर्फ तुम्हारी सोच में गुजारा है, सिर्फ तुम्हारी, ये सोचकर कि तुमसे बदला कैसे लूंगा। जब मैं जेल से आजाद हुआ मैंने तुम्हारी तलाश की, क्योंकि मेरा लक्ष्य सिर्फ तुम थे। तो पता क्या चला कि तुम तो आसमां की बुलंदियों को छू रहे हो, तुम्हें क्राइम ब्रांच का हेड बना दिया गया, इंचार्ज। तो बस उसी वक्त मैंने ये फैसला कर लिया कि तुम्हें भी नाकामी का मजा चखाऊंगा, और उसके बाद तुम्हारा कत्ल करूंगा। देखो ना, हर कत्ल के बाद मैं तुम्हें चैलेंज करता चला गया, और अपनी याद दिलाने के लिए मैंने हर लाश का अंगूठा भी काट दिया, मगर अफसोस कि तुम उन लोगों को नहीं बचा पाए, नहीं बचा पाए। नाकामयाबी तुम्हारे हाथ लगी और क्राइम ब्रांच से तुम्हें सस्पेंड कर दिया गया। अब तुम्हारी मौत के बाद तुम्हें काबिल ऑफिसर की हैसियत से नहीं, जिसे मेडल ट्रॉफियों से नवाजा गया हो, बल्कि एक ऐसे नाकामयाब ऑफिसर की हैसियत से जाना जाएगा जो 4 बेगुनाह लोगों की जान नहीं बचा पाया। नाकामयाब मैं नहीं, नाकामयाब तुम हो गए। तुम्हारी उस चंडाल चौकड़ी में से सिर्फ 3 शिकार तुम कर पाए, वो भी इत्तफाक, लेकिन चौथा अभी भी जिंदा है, बांद्रा का कॉरपोरेटर पाटिल। तुम्हें अंदाजा हो गया था कि हम वहां पे पहुंच जाएंगे, इसलिए तुमने पाटिल को सामने से नहीं मारा बल्कि उसे जहर देकर मारने की कोशिश की। और हमने भी सोचा कि चलो अच्छा है, हम तुम्हारी इस प्लानिंग में तुम्हारा सहयोग करें, और पूरी दुनिया में यह प्रचारित हो गया कि पाटिल मर गया, जहर से मर गया, और तुम्हारे पास यकीन करने के अलावा कोई चारा भी नहीं था, क्योंकि तुम पाटिल का अंगूठा भी काट पाए थे सबूत के तौर पे। हम चाहते थे कि तुम थोड़े से ओवर कॉन्फिडेंट हो जाओ, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंट इंसान बहुत सारी गलतियां करता है, और तुमने गलती की। खामखा सरकारी गोली का नुकसान करवा दिया, इस देश की 100 करोड़ जनता जब कर देती है ना, तब सरकार हम पुलिस वालों को 250 रुपए की एक गोली देती है देशवासियों की सुरक्षा के लिए।
और तेरे जैसी बेगैरत जिंदगी को खत्म करने के लिए मेरे जैसा गैरतमंद पुलिस ऑफिसर राष्ट्रीय संपत्ति का नुकसान नहीं कर सकता। यू वांट टू किल मी, कम ऑन, किल मी। बदतमीजी है सर, देखिए आपके ऑफिस में ये कौन है? सर माफी चाहता हूं कि इस तरह से आपके ऑफिस में आया। शबनीश किसी जमाने में पुलिस में काम किया करते थे, वहां से निकाले गए थे, 7 साल की जेल हुई भ्रष्टाचार के आरोप में। जेल से बाहर निकले तो हर उस शख्स का कत्ल करने लगे जो मेरे ऊपर मेहरबान था या मेरा प्रशंसक। यही वो आदमी है सर जो एक के बाद एक कत्ल कर रहा था और शहर में इसने दहशत का वातावरण पैदा कर दिया था। बचपन से ही इनको सुर्खियों में रहने की आदत थी सर, या सुर्खियों में आना चाहते थे, ये तमन्ना पूरी तो नहीं हुई एक ऑफिसर के तौर पे, इसलिए अपराधी बन गए। और कुछ वक्त के लिए इनका नाम सुर्खियों में आ भी गया एक सीरियल किलर के तौर पर। सीरियल किलर, 7 साल जेल में काटने के बाद भी तुम जिंदा हो और डिपार्टमेंट को बदनाम करने में शेम हो रहा है। तुमने इस केस को सॉल्व करके अपने डिपार्टमेंट की इज्जत बरकरार रखी, इसलिए मैं तुम्हें क्राइम ब्रांच में रीइंस्टीट्यूट कर रहा हूं। कांग्रेचुलेशन। नहीं सर, ये इस बधाई के पात्र नहीं है। ये कॉर्पोरेटर पाटिल को नहीं बचा पाए, इनकी उपस्थिति में इनकी नाक के नीचे ये हत्यारा कॉर्पोरेटर को कत्ल करके चला जाता है और ना ये सही समय पर इसे पकड़ पाए। मैंने कभी भी आपका विश्वास नहीं तोड़ा, आज भी नहीं तोड़ूंगा। कॉर्पोरेटर पाटिल जिंदा है। पाटिल जिंदा है? और पाटिल साहब, कुछ नहीं सर, रात 11 बजे तक जब पाटिल साहब के ऊपर हमला नहीं हुआ और चौधरी साहब ने भी सिक्योरिटी कम करनी शुरू कर दी, तो मुझे लगा कि चौधरी साहब भी वही सोच रहे हैं जो मैं सोच रहा हूं, कि अब ये कातिल पाटिल साहब के ऊपर सामने से हमला नहीं करेगा, क्योंकि इतनी टाइट सिक्योरिटी है, एक तो वो पाटिल साहब तक पहुंच नहीं पाएगा और अगर मान लीजिए पहुंच भी गया तो वहां से बच के निकलना उसके लिए नामुमकिन होगा। तो मैं सोचने लगा कि हो सकता है कि शातिर अपराधी है, इसने अपना कोई प्लान बी भी बनाया जो प्लान ए के फेल होते साथ ही अपने आप एक्टिव हो जाए। तो मैं सोचने लगा कि वो कौन सा तरीका होगा जिससे वो पाटिल साहब की हत्या करेगा। फिर लगा कि हो सकता है खाने पीने में इन्हें जहर दिया जाए। आदमी जब डरा हुआ हो, घबराया हुआ हो तो उसे भूख नहीं लगती, प्यास बहुत लगती है।
तो मुझे लगा कि हो सकता है कि वो कातिल इनको पानी में जहर देने वाला। तो मैंने इनके घर के नौकर से पूछताछ की कि हमारे आने के पहले कोई आया तो नहीं था। जी हाँ सर, एक आदमी आया था। कौन? वो फ्रिज रिपेयर करने के लिए। फ्रिज गड़बड़ था? नहीं साहब, वो कंपनी ने भेजा था फ्रिज रेटिंग के लिए। मेरा शक गहरा हो गया। मैं इनके नौकर के साथ फ्रिज के पास गया, मैंने फ्रिज खोली और उसके अंदर जितनी बॉटल्स थी मैंने सारी उठाई और फॉरेंसिक लैब में भेज दी जूलिया के पास। और जूलिया ने मुझे बाद में बताया कि उन सारी बॉटल्स में जहर था। फिर मैं पाटिल साहब के पास आया और मैंने इनसे कहा कि पाटिल साहब, अगर आपको जिंदा रहना है तो आज आपको मरने की एक्टिंग करनी पड़ेगी। और इन्होंने मेरा पूरा सहयोग किया सर। गौरव, एक बात बताइए, कॉर्पोरेटर पाटिल की मौत की झूठी खबर तुमने क्यों फैलाई? वो इसलिए सर कि पाटिल साहब के मरने की बात सुनकर आप मुझे बुलाएं और मुझे क्राइम ब्रांच से सस्पेंड कर दें। आपने मुझे बुलाया, क्राइम ब्रांच से सस्पेंड कर दिया, मैं बदनाम हो गया, मेरे नाकामयाबी के चर्चे अखबारों में छप गए। इससे वो अपराधी सबनीश बहुत कॉन्फिडेंट हो गया और मेरे सामने आ गया, क्योंकि सबनीश का मकसद था मुझे बदनाम करके मेरी हत्या करना, ताकि लोगों को ये लगे कि गौरव गंभीर ने बदनामी की वजह से, हताश और निराश होकर, नाकाबिल व्यक्ति के तौर पर जाने जाने की वजह से आत्महत्या कर। सबनीश साहब मेरे सामने आ गए और यही इनकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि मैं चाहता था कि ये मेरे सामने आए, क्योंकि जब ये मेरे सामने आएंगे तभी मैं इनको आपके सामने लेके आ पाऊंगा। और ये हाजिर है सर, आप लेंगे? Why not? Thank you. और आप? No, thank you. लीजिए ना। तो मुझे पसंद नहीं है। अरे कमाल है, गुड फॉर हेल्थ, वेरी गुड, खाइए खाइए, लीजिए। Thank you.